नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लोकसभा का धुआंधार पिछले 2 महीने में चुनाव प्रचार अब खत्म हुआ है और अब चिंतन और मंथन चल रहा है। अगले कुछ दिनों में देश को एक नई सरकार मिल जाएगी, तो आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस पूरे चुनाव प्रचार में केंद्र में विपक्ष के रहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खड़गे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कई चुनाव देखे, कई दौर देखे सियासत के और सरकार के, इस ये लोकसभा का 2024 का चुनाव किस तरह से खड़गे साहब आपको लगता है अलग रहा? जो आपने सफर लिया, क्या मंजिल तक आपको ये सफर पहुंचा पाएगा जिस तरह से प्रचार रहा? देखो, ये इलेक्शन बहुत ही टफ इलेक्शन और कोई इसको इजी नहीं ले सकता। दूसरी बात, हम गठबंधन करके ऑल पार्टीज मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे वोट्स भी मोर आर लेस कोई उसमें कमी नहीं रही। फिर भी एक आधा कहीं होगा, वो ट्रांसफर भी हम करवाए एक दूसरे को। तो हमारे को जो रिपोर्ट मिल रहे हैं पूरे कंट्री में, हिंदुस्तान में, और मैं खुद ही भी हर स्टेट घूमा हूं, कहीं ना कहीं एक एक स्टेट में 4-5 ऐसे मीटिंग्स, 10 ऐसे मीटिंग्स हमने की है, उससे भी एक ऐसा रुझान हमको मिल रहा है कि गठबंधन बीजेपी से भी आगे है और बीजेपी थोड़ा परेशान है। प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ही परेशानी के साथ ही बात करते थे, और एक प्राइम मिनिस्टर जो देश के लिए बात करना, अपने डेवलपमेंट की बात करना, और उनके स्टेटमेंट को सारे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी तो आना चाहिए, लेकिन उन्होंने अलग अलग भाषा में टीका टिप्पणी करते गए, तो उससे लोग बोले कि भाई ये ठीक नहीं है, और मोदी जी जो बातें कर रहे हैं वो इस देश में एक हेट स्पीच जैसा है, और असल देश को एक रखने वाला नेता ही उसकी डिवीजन की बात करता है धर्म के ऊपर और कास्ट के ऊपर, और देव देवताओं को भी वो बांट रहे हैं। तो इसीलिए लोग उनके बातों में कोई नहीं आ रहे, इसलिए वो खुद भी परेशान है। और हम एक ही रास्ता लिए, एक रास्ता ये है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसके लिए क्या किए बोलिए। दूसरा, देश में कीमतें बढ़े हैं एसेंशियल कमोडिटीज के, आवश्यक वस्तु के, महंगाई पर आप क्या करते हैं वो बोलिए, और आपने कितने काम 10 साल में देश के लिए किए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए। उसके साथ ही साथ आपने जो संविधान को मिसयूज किया और डेमोक्रेसी के ऑटोनोमस बॉडीज को भी आपने अपने हाथ में लेकर लोगों को सताने का काम किया, ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए लोग तंग होकर लोग ही उठे हैं। लोग आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, पर ये दिलचस्प हो जाता है क्योंकि आप दो अलग बातें कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री की जो भाषा थी वो उनका बड़ा नेगेटिव हुई जिस तरह से उन्होंने कहा, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे नंबर, हम लोग को ज्यादा नंबर आ रहे हैं एनडीए से। तो कुछ ये आंकड़ा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्या
कितने नंबर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को आ रहे हैं, और कांग्रेस कहा जा रहा है कि क्या 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी कि नहीं, फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं, आपने कल कहा पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, तो कैसे आप कह रहे हैं, क्या आंकड़े हैं आपको लगता है? आंकड़े का सवाल नहीं, गठबंधन मिल के लड़ रहे हैं, आंकड़े तो बाद में मालूम होंगे। नहीं, फिर भी मतलब नहीं, जब हम मिल के लड़ रहे हैं तो नेचुरली हमको जो जिस सीटें हम लड़ रहे हैं उसमें जो नंबर आएगा वो भी अलग होगा, लेकिन गठबंधन के लिए 100% हम वो नंबर लाएंगे। 273 तो के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, 273 के ऊपर आएंगे, आएंगे। और कांग्रेस को 100 से ऊपर जाएगा, क्योंकि कल मैं इसलिए कह रही हूँ कि जयराम रमेश ने कहा कि ये बड़ा जाहिर है कि अगर जो हम लोग की गठबंधन की सरकार आ रही है तो जो सबसे ज्यादा पार्टी जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे उसका प्रधानमंत्री होगा, नहीं, तो कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस की ओर था। देखो, ये ऐसी बातें मैं नहीं बोलता, और दूसरे की बातें मेरे जबान में मत डालिए, मेरे मुंह में मत डालिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि गठबंधन के लोग एक जगह बैठेंगे, वो तय करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बनना और कैसा गठबंधन चलाना, उसकी नीति भी क्या होगी और कौन सा मिनिमम प्रोग्राम होगा, ये उसमें तय हो जाएगा। और इसके लिए जो हमको आज हमारे सामने है, जो संविधान को खत्म करने वाले लोगों, जो हमारे गांधी जी के आइडियोलॉजी को खत्म करने वाले लोग है, पहले उनको सत्ता से हटाना हमारा एक मेन एम है, तो वो उसको हम देख रहे हैं। ये नहीं कि किसके नंबर कितने आएंगे, हम जरूर सब मिलके बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का हमारा नंबर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा रैली में कि हम दमदार तरीके से वापसी कर रहे हैं और तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान में चले गए। वो ध्यान में 45 घंटे ध्यान में घर में कर सकते थे, वो वहां जाने की क्या जरूरत थी, वहां 10,000 पुलिस उनको उनकी रक्षा के लिए रहेंगे, फिर उसके पीछे बहुत से अधिकारी रहेंगे, और वहां पहुंचने के लिए उनको इतने फ्लाइट गए होंगे, उनके आगे पीछे भी फ्लाइट, फिर उनको जाओ अच्छा 45 घंटे आप तपस्या करो बोलने वाले भी लोग वहां जाएंगे। ये नाटक क्यों, आप अपने घर में पूजा करो, अपने घर में श्रद्धा के साथ बैठो, ये सब छोड़ के अगर आपको करना ही था इतने लोगों को ले जाने की पुलिस आपके साथ रहना ये करना, ये शो क्यों करते हो, तो ये अच्छा नहीं है। और अगर वो बोलते हैं कि दमदार तरीके से वापिस आ रहे हैं जी, तो दमदार तरीके से आने के लिए रास्ते भी होना ना, तो हमारे सीट जब बढ़ रहे हैं सब गठबंधन के, फिर तुम्हारे कहाँ है फिर बढ़ने के, आप कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके? सब स्टेट में तो आपने मैक्सिमम लिया, अब यूपी में मैक्सिमम लिया, बिहार में मैक्सिमम लिया, और गुजरात में सब जगह तो मैक्सिमम सीट, अब तो इससे ज्यादा तो बढ़ने वाले नहीं ना, घटेंगी, तो इसीलिए वो जो कह रहे हैं वो सत्य से बहुत दूर है, और उनका जो कहना है हमेशा अपने कैडर को ज्यादा एंथुजियाज्म में लाने के लिए वो काम करते हैं, बोलते हैं, अभी भी 400 पार ही बोल रहे हैं, तो कहाँ से आते हैं, तो ये सब झूठ है। पर आपकी बैठक है 1 तारीख को, प्रधानमंत्री उधर ध्यान में है, पर यहाँ पे आप लोग ने इंडिया गठबंधन की अब घर पे आपके बैठक है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं,
तो क्या इस पर भी चर्चा होगी कि अगर आंकड़े आते हैं तो पीएम कौन होगा? नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ये तो हमको इलेक्शन में काउंटिंग के दिन हमारे हमारे पार्टी के लोग क्या करना चाहिए इसका है, इनफॉर्मल मीटिंग है ये, कोई प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये डिसाइड अच्छा, इस पे नहीं है आप कह रहे हैं। पर ईवीएम को भी लेके आप लोग को चिंता है और इस पे भी कि क्या तैयारी रहेगी काउंटिंग के दिन, उस पे भी चर्चा होगी? नहीं, जो चर्चा करेंगे वहां पर बैठक में जो विषय आएंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। खड़गे साहब, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ रही है, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? नहीं, नहीं। उनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्या वो आपके साथ आएंगे? ये देखिए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि पहली तारीख को उनके अभिषेक बनर्जी का इलेक्शन है। अच्छा, इसीलिए मैं नहीं आ सकती, और ये अगर यहाँ से मैं छूट गई तो गड़बड़ बहुत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस फर्स्ट के इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि हमारे पार्टनर्स को, तो जब ये विषय हमको उन्होंने बताया है फिर बार बार हम उसी विषय पे बात करना ठीक नहीं। मैं इसलिए बोल रही थी और मैं जल्दी खत्म भी करूंगी खड़गे साहब, कि उन्होंने आपके प्रति बहुत ज्यादा मतलब आपका बहुत सम्मान भी करते हैं और उन्होंने आपका समर्थन मतलब आपका नाम पहले लेने वाली ममता बनर्जी ही थी कि हमारा चेहरा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए, जिसपे सहमति अरविंद केजरीवाल ने भी भरी। तो क्या खड़गे साहब पर अगर ये दारोमदार आता है तो क्या खड़गे साहब प्रधानमंत्री बनने को तैयार होंगे इंडिया ब्लॉक के? देखो, मैं तैयार होना बाकी से जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, नहीं सुनिए, हमारा एक ही है, गठबंधन के लोग किसको बोलेंगे वो बनेगा। अब कोई एक व्यक्ति हमारा नाम लेगा दूसरा व्यक्ति लेगा वो नहीं है, गठबंधन के सारे लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय मंजूर होगा। अब हम कोई बोले इसीलिए हम कोट पैंट डाल के तैयार हो गए, ये से नहीं, कोई बोली की बात नहीं है, एक जिम्मेदारी लेने की बात है। खड़गे साहब, आपने बहुत लंबे समय तक राजनीति की, कर्नाटक की राजनीति की, और उसके बाद यहाँ पे आए आप, वहां पे भी लोकसभा में भी नेता विपक्ष रहे, फिर आपने राज्यसभा में कमान संभाली, पार्टी के अध्यक्ष रहे और दलित चेहरा है एक बड़ा, तो क्या आपके नाम पे सवाल यही है कि सहमति मैक्सिमम लोगों की होगी, पार्टी बोलती उससे पहले बाकी नेता बोलने लगे कि खड़गे साहब का चेहरा सामने आना चाहिए, तो ये संभावना तो बन रही है ना खड़गे साहब? नहीं नहीं, ये कुछ भी भावना बनने दो, एक तो मैं कांग्रेस वर्कर हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी का लीडर नहीं हूँ, दलित वो मैं हूँ, कांग्रेस का एक सिपाही, कांग्रेस के लिए लड़ते आया हूँ और 53 साल से मैं पावर में हूँ, यानी एमएलए एमपी राज्यसभा मेंबर सब चीजें, तो मेरे को ये बोल के लगाना कि पाप बेचारा दलित है उसको बनाओ, अगर ऐसा कोई गलत है तो गलत फहमी में है, उस नाम से मैं लेना भी नहीं चाहता, मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारे नेता है राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, हमारे पार्टी में भी पहले तय करते हैं, उसके बाद में गठबंधन के लोग तय करते हैं, तो ये मामला किसी कंपैशनेट ग्राउंड किसी को देने का नहीं है, ये है लड़ाई है। पर मेरिट में भी तो आप आते हैं, क्यों नहीं? तो नहीं, ठीक है, वो सब जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन हम तो पहले। पर आप ना नहीं कहेंगे आपने अध्यक्ष पद के लिए भी। सुनो सुनो, मुद्दे पहले तो मोदी जी को और बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, इसलिए हम एक हो गए हैं, पहला ये काम करेंगे फिर बाद में वो देखेंगे। अच्छा, शुक्रिया खड़गे साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बतौर लगातार 100 रैलियां और 50 इंटरव्यू लगभग उन्होंने दिए आज तक, पर बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। आज तक में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।